हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड शुगर इन माउथ। जी हाँ दोस्तों, मुंह और दांतों में होने वाली तीन खास परेशानियों के बारे में आज हम डिटेल में बताएंगे आपको, जो कहीं ना कहीं ब्लड शुगर बढ़ने के संकेत होते हैं दोस्तों। तो इन लक्षणों से कैसे बचाव करें, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि आजकल के लाइफस्टाइल में डायबिटीज़ एक सबसे बड़ी समस्या है, और कहीं ना कहीं पूरे देश में या फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीज डायबिटीज़ के ही हैं दोस्तों। आप समझिए कि डायबिटीज़ आपके शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है। और अगर आपको डायबिटीज़ है और आपके मुँह में भी कुछ परेशानियाँ होने लगे, जिसके बारे में आज हम डिटेल में आपको बताएंगे, तो आप समझ जाइए कि आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ रही है दोस्तों। ब्लड शुगर बढ़ने पर ओरल प्रॉब्लम होना, यानी मुंह में समस्याएं होना, एक आम बात है। और ब्लड शुगर बढ़ने से आपके जो लार है, यानी जो आपका सलाइवा है, वो घट या बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा लार बनेगी तो आपके मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन हो सकती है, या फिर छालों की समस्या हो सकती है। और अगर मुंह में कम लार बनेगी तो इससे आपको ड्राई माउथ की दिक्कत हो सकती है दोस्तों। इन समस्याओं के अलावा भी कुछ लोगों को मसूड़ों में परेशानी, दांतों में दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। तो आज हम इन्हीं समस्याओं के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और बात करें पहली समस्या की, तो यह है ड्राई माउथ होना। जी हाँ दोस्तों, टाइप 1 और टाइप 2 के शुरुआती लक्षणों में ड्राई माउथ होना एक सामान्य बात है। और ऐसे में हर व्यक्ति को हर समय प्यास लगती रहती है। हालांकि ऐसा कई बार डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाली दवाओं को इस्तेमाल करने की वजह से भी होता है, तो आप ध्यान दीजिए। इसमें आप समझिए कि होता क्या क्या है। तो जीभ सूख जाती है दोस्तों, जीभ पर खुरदुरापन महसूस होता है, कहीं ना कहीं मुंह में सूखापन, होठ फट जाते हैं, होठ सूख जाते हैं, मुंह में छालों की समस्या हो सकती है और निगलने में भी दिक्कत हो सकती है, यहाँ तक कि बात करने और चबाने में भी परेशानी होती है। फिर बात करें दूसरे लक्षण की, तो ये है कि मसूड़ों में दिक्कत होना। दोस्तों, डायबिटीज़ का दूसरा लक्षण है कि आपके दांतों और मसूड़ों के बीच लार नहीं बन पाती, जिसके कारण शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और जितने भी बैक्टीरिया हैं जो रोग पैदा करने वाले हैं, उनका जमावड़ा आपके मुंह में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है दोस्तों। इससे दांतों में सड़न या दांतों के टूटने जैसी समस्याएँ होने लगती हैं। और कहीं ना कहीं अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो आपको मसूड़ों की समस्याएँ बढ़ सकती हैं, जिससे आपको पायरिया तक हो सकता है दोस्तों। आप समझिए कि इसमें कहीं ना कहीं मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों का लाल होना, खून आना, या फिर गले में खराश होना भी शामिल है दोस्तों। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ी रहती है तो इससे आपके दांतों की सेंसिटिविटी प्रभावित होती है, सांसों में बदबू आने लगती है और कहीं ना कहीं मुँह में खराब स्वाद पैदा हो जाता है। तो ये सभी लक्षण हाई ब्लड शुगर की निशानी है, आप इन्हें ध्यान दीजिए। फिर अगले लक्षण की बात करें कि दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों में दांतों से संबंधित समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं, यानी ब्लड शुगर बढ़ने से मसूड़ों के चारों ओर प्लाक बन जाते हैं, जिससे दांतों की पकड़ ढीली हो जाती है। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि दांत टूटकर गिर जाता है। एक्सपर्ट की माने दोस्तों तो डायबिटीज़ के मरीजों के दांत गिरने का खतरा औसतन सामान्य व्यक्ति की तुलना में दुगना होता है। आप समझिए कि उम्र के साथ साथ ये खतरा लगातार बढ़ता जाता है, अगर आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में नहीं रखते तो। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर बात करें कि डायबिटीज़ में कैसे रखें मुंह का ध्यान। आप समझिए दोस्तों कि सभी इन्फेक्शंस की तरह माउथ इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं ग्लूकोज के बढ़ने के कारण होता है, ये बात अब हमें पता चल गई है। इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों को न केवल दिन में 2 बार ब्रश करना बेहद ज़रूरी है, बल्कि उन्हें दिन में 2 बार एंटीसेप्टिक माउथवॉश के साथ कुल्ला करने की भी सलाह दी जाती है। इससे कहीं ना कहीं आपके माउथ का इन्फेक्शन बचा रहेगा और आपके दांत और मसूड़े दोनों स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें।